दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। अक्सर जो छात्र हमसे पूछते हैं कि कितने मार्क्स में किस इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन होगा, यानी कि BHU में अगर आपको एडमिशन चाहिए BMS में तो कितने रैंक में आपका एडमिशन मिल जाएगा, ऐसे ही NIA में अगर आपको BMS में एडमिशन लेना है तो कितनी रैंक आने पर आपका NIA में एडमिशन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम केवल जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें रैंक वाइज आपको बताएंगे कि कितना रैंक आने पर आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है। और इसमें विशेष रूप से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU, ITRA, जामनगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA, जयपुर और NEIAH शिलांग, ये चार सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कितने रैंक पर आपको कहाँ मिल सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ले चलते हैं इसकी वेबसाइट पे EEEC.gov.in, यानी कि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति। तो इसकी UG काउंसलिंग हम जाएंगे यहाँ पे क्लिक करके। जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया जो है वेब पेज ओपन होता है, जिसमें इस साइड हम देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर पिछले साल के जितने भी अलॉट हुए थे कॉलेज रैंक वाइज यहाँ पर सब कुछ डिटेल दिया गया है। आप देख सकते हैं आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी सब कुछ का डिटेल यहाँ पे है। तो यहाँ पे आयुर्वेद का जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस का यहाँ पे है, नेशनल और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे है, और इसके अलावा जो आयुर्वेदा डीम्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे है। तो हम आपको आज के इस वीडियो में सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूट या नेशनल इंस्टीट्यूट की बात हम करेंगे। तो इसके लिए आपको इस वाले पे क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला टैब ओपन होगा, जहाँ पर यह जो है 12 पेज की एक फाइल आपको मिलेगी, PDF फाइल, जहाँ पे पूरा आपको दिया है। यहाँ पे इस साइड में आप देख सकते हैं राउंड नंबर, यानी कि पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में और चौथे राउंड में, चार राउंड की यहाँ पर पोजिशन आपको मिल जाएगी। और इंस्टीट्यूट नेम, तो इंस्टीट्यूट नेम देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मिलेगा फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा का। इसमें और नीचे जाएंगे तो आपको ITRA मिल जाएगा, उसके और नीचे जाएंगे तो NIA जयपुर मिल जाएगा, और नीचे जाएंगे तो NEIAH आपका शिलांग मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अलॉटेड कैटेगरी और कैंडिडेट कैटेगरी। तो कैंडिडेट कैटेगरी ये है कि जिसमें छात्र ने अप्लाई किया है और उसको जिस कैटेगरी में मिला है वो यहाँ पे आपको दिखेगा अलॉटेड कैटेगरी में। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कि छात्र की कैटेगरी OBC है, लेकिन अच्छी रैंक होने के कारण उसको जनरल कोटे से सीटें यहाँ पे मिली हुई है। तो इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है BHU का दिखाते हैं, जिसमें कि राउंड वाइज हमने अलग से एक सेपरेट सीट बना रखी है, जो इसके पहले हमने PDF आपको दिखाई थी। इसमें सबसे पहले देखें जो फर्स्ट राउंड में जो OBC की है कैंडिडेट कैटेगरी, तो हम कैंडिडेट कैटेगरी की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी हमेशा अलॉटेड की रहती है, तो अलॉटेड कैटेगरी की बात करेंगे। OBC की जो मिनिमम रैंक थी 21,077 से 25,351 के बीच गई है। EWS की 21,114 से 23,437 के बीच है। जनरल की 18,118 से 19,552 है। जनरल में ही 15,007 से 20,870 की है। जनरल में 15,052 से 20,937 गई है। SC में 82,546 से 105,176 और ST में 114,222 से 127,599। तो ये फर्स्ट राउंड की पोजीशन थी। फिर सेकेंड राउंड में आप यहाँ देख सकते हैं OBC की 19,058 से 19,705। वैसे ही EWS में भी 18,000 के आसपास है, जनरल में 17,000 है, जनरल में फिर 16,833 है, जनरल में जो OBC वाले हैं उनमें 15,000 है, SC के लिए 88,000 है और ST के लिए 121,095 है। फिर थर्ड राउंड का आप देख सकते हैं OBC का 23,137 है। यहाँ पे पूरी डिटेल है, आप वीडियो को पॉज करके आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, ये ITRA का आप देख सकते हैं। ITRA में जो OBC की है फर्स्ट राउंड में 26,000 है। वैसे ही EWS के 26,155 है, सेकेंड राउंड में OBC का 20,000 है और थर्ड राउंड में OBC का 27,340 है।
और जनरल का आपका 18,175 है। और ऐसे देख सकते हैं तीनों राउंड का ITRA का, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। आप इसको अलग से नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये शीट हमने अलग से बनाई हुई है, ये आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। ये NIA की लिस्ट है। यहाँ पे NIA में 4 काउंसलिंग हुई है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ राउंड। तो इसमें NIA में जो OBC की है 22,000 से है, OBC में जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनकी 81,000 से है, EWS की 23,000 है, जनरल की 16,000, फिर जनरल में जनरल की 15,000, जनरल OBC 15,000, SC की 68,000 और ST की 97,000। यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़रूर आपको ध्यान मिलेगा कि हर एक इंस्टीट्यूट के सेकेंड राउंड की जो मेरिट है वो अच्छी है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 22,000 वाले ने उठाई है जबकि यहाँ पे सेकेंड राउंड में 18,000 वाले ने। तो संभावना यही है कि जो अच्छे रैंक वाले हैं उन्होंने वेट किया है इंस्टीट्यूट का, अच्छे इंस्टीट्यूट का, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड राउंड में सब ने लिया। इसलिए सभी में सेकेंड राउंड में आप देख सकते हैं कि अच्छी रैंक वालों को सीटें यहाँ पे दी गई हैं। और ऐसे थर्ड राउंड का 23,000 से है और फोर्थ राउंड का 30,000 से है। और ये जो आखिरी है चौथा जो नेशनल इंस्टीट्यूट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कैटेगरी में आता है OBC का, यहाँ पे देख सकते हैं 38,000 है, वो सेकेंड राउंड में 36,000 है और थर्ड राउंड में OBC का 53,000 है और फोर्थ में 80,000 है। तो इन चारों इंस्टीट्यूट का जो मेरिट है और रैंक है और किस कैटेगरी में कितने रैंक वाले स्टूडेंट को यहाँ पे BMS में एडमिशन मिला है, तो इन चारों टेबल को देखने से आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसे अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। BMS से रिलेटेड जो भी सूचनाएँ होंगी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।